बड़े भाई तेज प्रताप जी से हम चाहेंगे कि पहले दो मिनट आप लोगों से आशीर्वाद ले लें। असदपुर और बिथान की महान जनता को मैं प्रणाम करने का काम करता हूं और यहां पे तेजस्वी जी एक वीर अर्जुन जिस तरीके से महाभारत में कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से इन्होंने कदम रखने का काम किया है और दुश्मनों का छक्का छुड़ाने के लिए हम दोनों भाई यहां आप लोग के बीच में आए हैं और पूरे तरीके से यहां जनसैलाब उमड़ा हुआ है और हल्ला नहीं कीजिए। जब हम भाषण देने लगते हैं कोई ना कोई आकर के डिस्टर्ब कर देता है हमको, लेकिन अर्जुन आ गया है पूरे तरीके से, इसको आगे भी जाना है कार्यक्रम में, तो हम ये आपसे अपील करना चाहेंगे, बहुत कम समय मिलता है भाषण देने का, जब सरकार बनेगी तो एक घंटा डेढ़ घंटा भाषण मेरा चलेगा। तो यहाँ पे आए हैं तमाम लोग, यहाँ उपस्थित हुए हैं पार्टी के तमाम लोग, महागठबंधन के तमाम लोग यहाँ उपस्थित है, कांग्रेस पार्टी के और इमरान प्रताप जी हैं, इन्होंने अपना शायरी से पूरे लोगों को यहाँ की लोगों को मंत्रमुग्ध करने का काम किया है। माला पुष्पम जी हैं यहाँ और सीपीआई के लोग, तमाम लोग यहाँ महागठबंधन के तमाम लोग का मैं इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने का काम करता हूँ। और यहाँ पे जिस तरीके से अभी हसनपुर में भी हाई स्कूल में तेजस्वी जी आए थे, वहां पे हम लोगों ने बोला, तेजस्वी जी ने बोला कि हसनपुर को जिला बनाने का काम होगा और यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने का काम होगा, डिग्री कॉलेज खोलने का काम होगा और क्रिकेट स्टेडियम भी बनाने का काम होगा। और यहाँ विभा जी आई हैं, तमाम लोग हैं पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम लोग हैं यहाँ उपस्थित और हम ये कहना चाहते हैं कि कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि एक जगह दो दो हेलीकॉप्टर उतरने का काम हुआ। इस बात का सबूत है और इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी चाहते हैं कि बदलाव हो। तो पूरे तरीके से जन सैलाब और आप लोगों ने जो इतना प्रेम जो हमें देने का जो काम किया है, आपने जो भरोसा करके हमें यहाँ का नेतृत्व चुनने का जो काम किया है, उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और अब तेजस्वी जी का भाषण होगा क्योंकि आगे जाना है तेजस्वी जी को, तो एक बार जोरदार शंख होना चाहिए, शंख बजना चाहिए। हेलो छोटू चलिया जी, एक लाइन, एक लाइन बन जाइए। हेलो शंख आ जाना दीजिए, शंख दीजिए, शंख का बहुत मांग है, मंगवाओ जल्दी, शंख जल्दी मंगवाओ। ए भाई ठीक है, पहना भी देना दे। एक बार गाना बंद कीजिए ना, गाना छोटू छलिया जी पूरा हड़बड़ाए हुए है कि गाना गा दी, गाना गा दी। हम मतलब हसनपुर है मेरा क्षेत्र है, यहाँ हम जो बोलेंगे वही होगा, इसीलिए पहले शंखनाद बजेगा। मंगाओ ना जी, जाके बोलो ना लेकर के आएगा। बस आ गया, आ गया दो मिनट। हम नहीं मानते, छोटा छलिया भूल जाएगा।
आने दो आने दो, इसको आने दो, इसको आने दो। अरे कहाँ चल गया, यही सारा चल गया। कैमरा वाले इधर आ जाइए, हमारे जनता देखेगी। अरे चंदन वहाँ, चंदन चंदन हर जगह जगह दीजिए, चंदन जहाँ अर्जुन और कृष्ण एकत्रित हो जाएंगे वहाँ शंख नहीं बजेगा। पकड़ो ना इसको, पकड़ो ना इसको, वाला माइक स्टार्ट करा। महाभारत का शंखनाद हो गया है, अब लड़ाई चालू होगा, तेजस्वी जी का भाषण होगा यहाँ पे। आइए हमारे प्रिय अर्जुन, हमारे छोटे भाई, तो हमने आशीर्वाद दिया है, ये मुख्यमंत्री की गद्दी पर बैठने का काम कर रहे हैं, और छोटू छलिया भी हैं यहाँ पर, लेकिन छोटू छलिया है यहाँ पे, लेकिन ठुमका लगाना पड़ेगा। अरे तो पहनाना ते पता पला भैया पियारिया, अपनाना ते कसरी भैया पागरिया, आय होइले घोटावा के देर, होइले घोटावा के देर, खोजाता ते हसल पूरा नागरिया, खोजाता ते हसल पूरा नागरिया, भइले घोटावा के देर, भइले घोटावा के देर, छठी मैया होई ए सहरिया, विजयी होई बाल भतीजे, विजयी होई बाल भतीजे, अब आपके सामने नेता प्रतिपक्ष बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं, जोरदार तालियों से स्वागत। बैठ बैठ जा, बैठ जा, मंच पे बड़े भाई और महागठबंधन आरजेडी के बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी जो प्रत्याशी हैं, माला पुष्पम जी आमन और विभा जी, कारी शोएब जी, इमरान प्रताप गढ़ी जी, सभी यहाँ वामपंथी दलों के, हमारे कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, सबों का नाम नहीं ले सकता, एक दिन में 15-15, 16-16 कार्यक्रम करना पड़ रहा है। आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं और आप लोगों से माफी भी चाहेंगे कि बहुत लोगों को बोलना था लेकिन बोलने का मौका नहीं मिल पाया। आप लोग समझ रहे हैं कि मेरा जो हेलीकॉप्टर उसको हमने ट्रैक्टर बना दिया है। किसी का होता है, लालू जी का 16 रैली हुआ है, मेरा भी 16 हाईएस्ट है, अभी तक लालू जी का रिकॉर्ड नहीं टूटा, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है ट्रैक्टर बन चुका है। तो आप लोग देखिएगा, एक हम लोगों का हेलीकॉप्टर
एगो से इमरान जी एगो से हम निकल रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश बाबू 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे छोड़े हुए हैं। तो एक कहावत नहीं है, एक बिहारी सब पर भारी। इमरान जी भी बिहारी हैं, बिहार को इतने अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं, तो जाहिर से तौर पर वो एक नौजवान है बिहारी, हम दोनों ठेठ बिहारी सब पर भारी, और हम लोगों का डीएनए भी शुद्ध है। देखिए तेज प्रताप जी महुआ से विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, और महुआ में इन्होंने हमसे, जब हम डिप्टी सीएम थे, पथ निर्माण विभाग में हमारे पास था तो 900 करोड़ रुपए का पूरे जिला में रोड बनवाए हैं। अभी बड़े भाई से बात हो रही थी तो कहते यहाँ की रोड की स्थिति बहुत ही खराब है असलपुर की, तो ये सारा काम हम लोग करने जाएंगे, रोड भी बनेगा, डिग्री कॉलेज भी बनेगा, आपका स्टेडियम भी बनेगा, और जो जिला की मांग है, अगर हमको आप लोग मौका दीजिएगा, सरकार बनाइएगा, तो जिला का भी हम लोग पूरा कर देंगे। तो देखिए असल मुद्दा क्या है, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई। नीतीश जी ने 15 सालों तक ना पढ़ाई की व्यवस्था की, ना कमाई की व्यवस्था की, ना दवाई की व्यवस्था की, ना सिंचाई की व्यवस्था की। देखिए हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, तो हमारी सरकार अगर बनती है तो हम लोग कमाई दवाई पढ़ाई सिंचाई के साथ साथ कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार आप लोगों को देने का काम करेगा। नीतीश जी के राज में दिल पे हाथ रख के बोलेगा, जब ब्लॉक जाते हैं, थाने जाते हैं, तो बिना चढ़ावा दिए रहे कोई काम होता है? सही बोलिए, आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? नीतीश जी ने 60-60 घोटाला किया लगभग बिहार का, 30,000 करोड़ का बिहार के खजाने से भ्रष्टाचार किया, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, किसी की सुनवाई नहीं होती है। इसलिए आप लोग देखिए, अभी प्याज का दाम इतना बढ़ गया भैया, बहुत तकलीफ दे रहे हैं, सहयोग नहीं। आप देखिए एक बात समझिए, कितना महंगाई हो गया है, प्याज शतक मार रहा है और आलू जो है हाफ सेंचुरी मार रहा है। ये बीजेपी वाले जेडीयू वाले माला पहन के घूमते थे प्याज का कि महंगा हो गया, और गाना गाते थे कि महंगाई डाइन खाई जात है, याद बा? अरे रवल की याद बा कि ना, कि भाई महंगाई डाइन है खाई जात है, तो आप महंगाई क्या भौजाई हो गई है, अब डाइन नहीं है। तो देखिए पूरी तरीके से गरीब किसान नौजवान मजदूर, मेरे भाई जितने मजदूर हैं पलायन करके जो गए थे काम करने, नौकरी करने, मजदूरी करने, कोरोना काल में जब महामारी आया, लॉकडाउन हुआ, तो नीतीश कुमार जी ने मुंह फेर लेने का काम किया। 1500 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर दिल दहल जाता था तस्वीर देख करके, एक बच्ची अपने पिता को 1500 किलोमीटर गुड़गांव से अपना दरभंगा लेकर के गई साइकिल पे चला करके, एक माँ एक कोड़े में बच्चे को ली हुई, एक पे हाथ में सामान घसीटते हुए जा रही है। जितना लोग कोरोना से नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग जो है पैदल चल करके मर गए होंगे, कट करके मर गए होंगे रेलवे ट्रैक पर, रोड एक्सीडेंट पर, और भूख से मर गए होंगे। लेकिन हमारी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, किसी को नहीं देखा। तो इसलिए आप सब लोगों के बीच आए, समय कम है, तो बताइए, हम तो स्वर्ण जाति के भाइयों को, पिछड़े जाति के भाइयों को, दलित महादलित अति पिछड़े भाइयों को और अल्पसंख्यक भाइयों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे, किसी भी भाई का हाथ नहीं छोड़ेंगे, सबको हाथ पकड़ के साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। तो एक मौका देगी कि नहीं देगी असलपुर की जनता? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए।
जब एक मौका देगी तो हमने भी फैसला किया है। वो फैसला क्या है, वो फैसला क्या है? देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने, जो हमारा दुश्मन सबसे बड़ा है तो बेरोजगारी है, हमने बोला है कि मेरा अगर पहला कलम, पहला सिग्नेचर, हस्ताक्षर अगर हम करेंगे मुख्यमंत्री रहते हुए, जो पहला मंत्रिमंडल का जो बैठक होगा उसमें 10 लाख सरकारी नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी। तो नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? अब कितना लोग बेरोजगार है जरा हाथ उठा के बताओ तो। ये नजारा मोदी जी को क्यों नहीं नजर आता? ये नजारा नीतीश जी को क्यों नहीं नजर आता? इतनी बड़ी समस्या है लेकिन इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हो। नीतीश कुमार जी हमें गालियां दे रहे हैं, हमारे परिवार को गालियां दे रहे हैं, लेकिन वो बड़े हैं, उनका कोई भी गाली हो हम उसको आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। और हमारे तो माता पिता ने संस्कार में सिखाया बड़ों की इज्जत करो। भले उन्होंने 12 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया, हमें उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन एक बात सोचिए, जो व्यक्ति 4 साल में 4 सरकार देगा वो विकास क्या करेगा? 1 साल उसके साथ, 2 साल उसके साथ, ना कोई नीति है, ना कोई विचार है, ना कोई सिद्धांत है। उनका पहला प्यार नीतीश बाबू का और आखिरी प्यार कुर्सी है, जनता नहीं है। इसलिए आप लोगों के बीच आए हैं, जितनी आंगनबाड़ी, जीविका दीदी है, स्वयं सहायता समूह है, इन सभी को विकास मित्र हो गए, सभी को नियमित करेंगे और इनके मानदेय को दुगुना हम करने जा रहे हैं। नियोजित शिक्षक जितने थे, जो समान काम समान वेतन जो मांग रही है उनकी, लवली आनंद जी भी आई हैं, इनका भी हम लोग जो है स्वागत करते हैं। समान काम समान वेतन का अधिकार हम नियोजित शिक्षकों को देने का काम करेंगे। इस महंगाई में वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया है, किसी को मिलता है बाबा, किसी को नहीं मिलता है। हमारी सरकार बनेगी तो 400 से 1000 वृद्धा पेंशन कर देंगे। पक्के मकान देने का काम करेंगे, तो ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। देखिए, हम सब लोगों से यही अपील करेंगे कि गोल बंद रहिएगा, एकजुट रहिएगा, बटिएगा मार, बटिएगा तो फिर बेरोजगारी का जो मुद्दा बिहार ने बनाया है, फिर कहीं कोई बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पाएगा। असली दुश्मन हमारा क्या है? क्या आवाज नहीं आ रहा, बोलिए। बेरोजगारी। इसलिए ये विधायक राजकुमार यादव जी जो भी काम वो करते रहे यहाँ के, राजकुमार यादव जी के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आप देखिए, दातुन के चक्कर में वृक्ष मत उखाड़ देना, बुझाता रहो लोगों के, अब बुझाता तो दोनों हाथ ऊपर करके बताओ ना। दतवन के चक्कर में पूरा फेर मत उखाड़ देना। तो इसलिए एकजुट रहिए। यहाँ भी माला पुष्पम जी हैं, इनके बेटे अमन हैं, हमारे बड़े छोटे भाई हैं, इन सब लोगों का हम लोग ध्यान रखने का काम करेंगे। देखिए विभा जी भी हैं, सब लोग, देखिए भाई सब लोग एक एक घर के बारे हैं, शंभू जी हैं इधर, सब लोग एक घर के हैं। आप सब लोग मेहनत कीजिए, काम कीजिए, सरकार बनाइए और सभी को मान सम्मान दिलाने का काम वो तेजस्वी करेगा, तेज प्रताप जी करेंगे। आप चिंता मत कीजिए, आपसी झंझट मिटाना है। इस बार नीतीश जी एनडीए का विधायक करना है और बिहार में गरीब का, नौजवान का, किसान का सरकार बनाना, बनाना कि नहीं बनाना? तो बताओ, नीतीश जी के 10 तारीख की विधायक तय बाकी ना? अरे तय बा। सब लोग, आप लोगों का आशीर्वाद बनता रहे। सभी यहाँ हमारे जितने वर्कर हैं, हम चाहेंगे कि बूथ पे काम कीजिए, बूथ जिताइए, और हमारे जितने अति पिछड़े दलित भाई हैं, चाहे स्वर्ण भाई हो, सभी लोगों को, अल्पसंख्यक भाई सबको गले से लगा करके दलित भाइयों को लेकर के साथ चलने का काम कीजिए। तो हम ज्यादा यहाँ छात्र राजद, युवा राजद, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल, सब लोगों ने
खास तौर पे मेहनत किया है उन सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन वोट जब तक पूरा नहीं हो जाता, जब तक पड़ नहीं जाता, तब तक आप लोग निश्चिंत मत बैठिएगा। एक एक काम जो है देखने का काम कीजिए और आगे सब लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे। पुष्पम जी के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं है, सब चीज हम लोग देखने का काम करेंगे। हम लोग सब लोगों को इकट्ठे एक साथ लेकर के चलेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। बच्ची मंडल जी भी, बच्ची मंडल जी सब लोग यहाँ हैं, सब लोगों का धन्यवाद। पिछला मंच पे जुड़े थे, विभा जी भी है, पूरा लगे रहती है, कोई दिक्कत नहीं। बामन रोमा भारती जी, रोमा भारती जी आई है, और बगल से हमारे प्रत्याशी भी है क्या, जिला अध्यक्ष जी है, सहनी जी है, और अमन है, मेरा छोटा भाई है, इसका हम लोग ख्याल रखने का काम करेंगे। फैज भी है, फैज भी है, अमरेश जी है, युवा के सबसे ज्यादा जोश में रहते हैं, शंभू जी है, सब लोग है, आकाश है, सब लोग लगा पड़ा है। तो भाई हम भी क्या आशीर्वाद मिली कि ना मिली, मिलेगा कि नहीं, हाथ उठा के बताइए। चलिए आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। देखिए चुपचाप पीछे से आवाज आना चाहिए, चुपचाप दम, चुपचाप लड़ते इच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। तो बताओ विजय के माला हम पहना दे, पहना दो अमन, पहना दो तेज भाई, हम भी पहना दो, दे लो माला, दे लो। अभी हम हैं फिर जी आइए।